क्षेत्र में अफीम तस्कर अब राजस्थान तक डिलीवरी देने जाने लगे हैं। नीमच जिले में अवैध तस्करी का बोलबाला है। इतनी कार्यवाहियां होने के बाद भी इस काली कमाई से तस्करों का मोह नहीं छूट रहा। कई तस्करों पर तो सफीमा की कार्यवाही तक हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस काले साम्राज्य को कोई नष्ट नहीं कर पाया है। जिले से अफीम लेकर राजस्थान के नागौर जा रहे चार लोगों को सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर की टीम ने भिलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया। इसके पास से 12 किलो 100 ग्राम अफीम मिली, जो कार के दरवाजों में छिपाकर तस्कर देने जा रहे थे। अपराध शाखा जयपुर में अतिरिक्त महानिदेशक रवि प्रकाश ने बताया कि डीएसपी पुष्पेंद्र कुमार राठौर के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर रायला थाने के सामने नाकाबंदी की। इसी दौरान संदिग्ध कार पहुंची, इसमें सवार चार लोगों से पूछताछ की। इसमें मिट्टूलाल धाकड़ निवासी सिंगोली, मुकेश कुमार धाकड़ निवासी कच्छाला थाना सिंगोली, शंभूलाल धाकड़ निवासी सुदर्शन नगर बेगू, दिनेश धाकड़ निवासी पीपली खेड़ा बेगू बताया। तलाशी लेने पर कार के दरवाजे में पॉलिथीन की थैलियों में अफीम भरकर छिपाई हुई थी। तोल करने पर 12 किलो 100 ग्राम निकली। चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। चारों आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि अफीम नीमच जिले से खरीदकर नागौर जिले के मानकपुरा में एक तस्कर को देने जा रहे थे।